दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशरफ हुसैन और आज इस वीडियो में मैं आपके उन सवालों के जवाब लेकर आया हूं जो आपने विटामिन D3 से संबंधित या रिलेटेड मुझसे पूछे हैं, बहुत बार पूछे हैं, बहुत सारे वीडियोस में पूछे हैं। तो आज मैं आप ही के सवालों के जवाब दूंगा एक एक करके और आपको विटामिन D3 की कमी से रिलेटेड आई एम श्योर जितने भी आपके सवाल हैं, क्वेरीज हैं, उनके आंसर मिल जाएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, तो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहे। तो देखिए, जो सबसे पहला सवाल है वो है, यह है मिस्टर अनुज धीमान की तरफ से। इनका कहना है कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है या कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो देखिए, विटामिन डी की कमी जो है ना, वो अलग अलग एज पे, अलग अलग स्टेज पे असर डालती है। बच्चों में जनरली अगर विटामिन डी की कमी ज्यादा होती है तो उनको रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे इनका ओवरऑल ग्रोथ जो है, वो विकास जो है, डेवलपमेंट है, वो रुक जाता है। उनकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और उनकी हाइट वगैरह भी नहीं बढ़ती है। और आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का ये बल्ज होने लगता है चेस्ट, ये रिकेट्स का एक मुख्य लक्षण होता है। बड़ों में जो है ये ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है, या ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है कि आपकी जो हड्डियां हैं वो पोरस हो जाती हैं, उनके अंदर कैल्शियम का जो है एब्जॉर्प्शन रुक जाता है अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, जिससे आपको मस्कुलर पेन, जोड़ों में दर्द या जल्दी से हड्डियों का टूट जाना, इस तरह की दिक्कत सामने आने लगती है। तीसरा, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। अगर विटामिन D3 कम होता है तो आपके शरीर की जो मसल की जो टोन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपको एक तो कमजोर हो जाती है मसल्स, आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और उनमें दर्द रहने लगता है। तो जो बॉडी एक है, जनरलाइज बॉडी पेन है, वो विटामिन D3 की कमी से हो सकता है। उसी के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी भी जो है वो काफी कमजोर हो जाती है। विटामिन D3 बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे विटामिन सी जरूरी होता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उस तरीके से विटामिन D3 भी बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा कोविड के दिनों में डॉक्टर्स को विटामिन D3 प्रेस्क्राइब करते हुए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी इसमें बीमारी होने का डर रहता है वो होता है एंजाइटी और डिप्रेशन, मूड स्विंग्स। तो जिन लोगों को विटामिन D3 की कमी होती है उनको एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स भी ज्यादा होते हैं। होप ये आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। ये दूसरा सवाल है मिस अनुपम दोग की तरफ से। इनका पूछना है कि विटामिन D3 की कमी को कैसे पूरा करें। तो देखिए, विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है कि एक तो आपको सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए। अगर आपको सुबह सुबह का सनलाइट एक्सपोजर मिलता है, आपकी स्किन पे सनरेज पड़ती है, तो ये विटामिन D3 के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। ये सबसे अच्छा नेचुरल तरीका है और सबसे तेजी से इससे विटामिन D3 बढ़ता है। दूसरा, कुछ आप डाइटरी हैबिट्स को अपनी सुधार के भी विटामिन D3 के लेवल को बढ़ा सकते हैं। ऐसे भोजन करें जिनके अंदर विटामिन D3 आपको मिले। आप दूध, अंडा, मांस, मछली अगर खाते हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट से भी आपको विटामिन D3 मिलता है, एग से, मछली से, सी फूड से आपको विटामिन D3 काफी हद तक मिल जाता है। और कई बार देखिए, डाइट से उतनी जल्दी से विटामिन D3 के लेवल पूरे नहीं होते हैं, तो आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। आपको कुछ टैबलेट्स आते हैं, कुछ लिक्विड्स भी आते हैं विटामिन D3 के, कुछ सैशेज भी आते हैं, उनको आप हफ्ते में एक बार अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंट्रा डीप मस्कुलर इंजेक्शन भी लगते हैं जो काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, उनको आप अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें, तो आपका विटामिन D3 का लेवल काफी जल्दी रिकवर हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। जो तीसरा सवाल पूछा है वो है शमा सैयद। इनका सवाल है, मेरे खून की जांच में विटामिन D3 13 ng/mL आया है, क्या ये नॉर्मल है? और साथ में इन्होंने पूछा है कि विटामिन डी का लेवल कितना होना चाहिए। तो देखिए, ये कम है। विटामिन D3 अगर आपका 13 ng/mL आ रहा है तो ये कम है, आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, कमी है। तो मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूं कि जो विटामिन D3 का नॉर्मल लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 20 से 50 ng/mL। और ये देखिए वैरी करता है, ये कंट्री टू कंट्री वैरी करता है, आपको सन एक्सपोजर कितना मिलता है, आपका लाइफ स्टाइल का। लेकिन इंडिया में अगर आपका 20 से 50 के बीच का विटामिन D3 लेवल है तो नॉर्मल है। अब अगर 20 से आपका विटामिन D3 लेवल आता है, हालांकि कुछ लैब इसको 25 भी मानती है, लेकिन अगर 20 से आपका विटामिन D3 का लेवल कम आ रहा है तो आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, आपको उसको पूरा करना चाहिए। जो अगला सवाल है यह मिस सीमा अरोरा जी की तरफ से। इनका पूछना है, सर मेरी एज 51 है और मेरा विटामिन D3 19 आया है, मेरे बॉडी में बहुत पेन और टायर्डनेस रहती है, प्लीज टेल मी एनी सॉल्यूशन। तो देखिए, यस, आप बॉर्डरलाइन है, आपका विटामिन डी का लेवल अभी कम है, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये 20 से ज्यादा होना चाहिए, बेहतर है कि इसको 25 से ऊपर रखें। तो ऊपर जो मैंने बताया, एक तो आप सनलाइट एक्सपोजर अपना बढ़ा दें और ऐसी डाइट खाएं जिसके अंदर विटामिन D3 आपको ज्यादा मिले, और आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें
और दूसरे आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लें, हो सकता है आपको वो कोई सप्लीमेंट एडवाइस कर दें। जो दूसरा सवाल है वो पूछा है रीमा लांबा जी ने, उनका ये कहना है कि मेरे फेस पर एक्ने, पिंपल्स, डलनेस थे जो तमाम तरह के टॉपिकल जेल क्रीम से ठीक नहीं हो रहे थे। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया पर साथ में विटामिन डी थ्री टेस्ट किया, क्या विटामिन डी थ्री स्किन पर इफेक्ट करती है, कृपया बताएं। तो देखिए हाँ बिल्कुल, विटामिन डी जो है वो स्किन डिसऑर्डर्स में भी इसका रोल देखा गया है। कई बार विटामिन डी थ्री की कमी से एक्जिमा होने लगता है, स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी थ्री इन्फ्लामेशन को कम करता है। अगर स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे कुछ रिएक्टिव डिजीजेज डेवलप हो सकती हैं, इवन एक्ने, पिंपल्स भी निकल सकते हैं। तो आपके डॉक्टर ने बिल्कुल सही टेस्ट कराया है, अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो उसको पूरा करें, जिससे आपके स्किन डिसऑर्डर्स भी ठीक हो जाएंगे। और जो अगला सवाल है ये है मिस रंभा गुप्ता की तरफ से, इन्होंने पूछा है कि सर प्लीज टेल मी, क्या विटामिन डी की कमी से लीवर में भी दर्द हो सकता है? मेरा विटामिन डी 9.9 है और मुझे काफी दर्द होता है फेफड़ों और लीवर के आसपास। तो यस, देखिए विटामिन डी थ्री की कमी से एक तो मस्कुलर वीकनेस होती है, दूसरे ये लीवर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो अगर विटामिन डी थ्री की कमी होगी, लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, और क्योंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है तो वहां पे इन्फ्लामेशन के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, और साथ में क्योंकि मस्कुलर वीकनेस होती है तो ये सब मिला के आपके लीवर के आसपास के एरिया पे दर्द कर सकता है। दूसरी जगहों पे भी आपकी बॉडी में दर्द होगा, लेकिन लीवर के आसपास की मसल्स अगर वीकनेस है तो लीवर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन आ गया है, वहां पे मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा है, तो विटामिन डी थ्री आपके इन लक्षणों का कारण हो सकता है। आपका विटामिन डी काफी कम है, 9.9 बहुत ज्यादा कम है, इसको करेक्ट करें। मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि इंट्रामस्कुलर एक डिपोर्ट इंजेक्शन आते हैं जो अपने डॉक्टर की सलाह पे ले, या वीकली आप एक डोज आती है पाउचेज में टैबलेट्स की फॉर्म में, उसको आप इस्तेमाल करें कम से कम 6 हफ्ते, तो आपकी विटामिन डी थ्री काफी हद तक ठीक हो जाएगी और लक्षणों से आपको आराम मिल जाएगी। जो अगला सवाल है, इनका कुछ नाम क्लियर नहीं है, बट हाँ इन्होंने पूछा है सर क्या विटामिन डी की कमी से एंजाइटी या डिप्रेशन भी होता है, मुझे है। तो ये एनोनिमस है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। देखिए हो सकता है, विटामिन डी की कमी से बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स, इवन कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स और इवन डिप्रेशन भी हो सकता है। तो मैं सलाह दूंगा अगर आपको विटामिन डी थ्री की कमी है तो आप अपना विटामिन बी ट्वेल्व का लेवल भी चेक कराएं, क्योंकि उसकी कमी से भी ये लक्षण आते हैं। और अगर आपको इन दोनों की कमी है तो इनको करेक्ट करें, अपने डॉक्टर से मिलें। आई एम वेरी श्योर कि अगर ये करेक्शन आपका हो जाएगा विटामिन डी थ्री का और विटामिन बी ट्वेल्व का भी, तो आपके इन लक्षणों से धीरे धीरे करके आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। होप आई आंसर योर क्वेश्चन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके उन सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए। अगर आपके और भी बाकी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके मैं सारे सवालों के जवाब दूं, चाहे वो विटामिन डी थ्री की डिफिशिएंसी से या किसी और बीमारी से रिलेटेड होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, तो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।